मल्टी स्टेशन एडजस्टमेंट करेंगे। हाँ बोलिए, मल्टी स्टेट। हाँ तो उसको अकेले में भेजिए, दूसरे लोगों को दीजिए नाम, ठीक है ना? आपके यहाँ जितने लोग हैं एक ही उसका नाम लिखिए, बाकी वालों को लिखिए, ठीक है ना? अरे गुप्ता का लिखो, बाकी लोगों का दूसरे लोगों का लिखो ना, भेजिए जल्दी से। गुप्ता गया था लखनपुर? अभी गुप्ता कहाँ पर, लखनपुर में है कि यहाँ वॉलंटियरी में है? नहीं, वहां से लखनपुर से सर्वे करके आगे करके जो करने आगे चलो, बताते चलो वहीं पर वो अभी वहां पर होगा। उससे बात करो मेरी, ये कहां पर है, वहां किसके पास है वो? मंडल मंडल के पास है कि बैनर्जी के पास? कहां पर है वो? पोजीशन को हम फिक्स्ड मानेंगे, उस हिसाब से बाकी ये पॉइंट को हम मूव करेंगे। जीएम साहब बात करना चाहेंगे उनसे, जीएम साहब से बात करानी है, पूछ रहे थे मुझसे, ठीक है ना? अभी करो यार, अभी करो। हाँ बोलिए, एक पॉइंट को फिक्स कर रहा है, बाकी सबको रोटेट करेगा। अभी ये हमारा एरर है 1 मीटर। एरर कितना है? 1 मीटर एरर है। 1 मीटर, अच्छा। अभी इस एरर को हम लोग मिनिमाइज करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। अच्छा, नहीं आपने ये मतलब जैसे उसको किया करने के बाद टाइप पॉइंट वाला काम सीधे से कर दिया? नहीं नहीं, अभी किए नहीं है टाइप पॉइंट। अभी क्या किया? अभी डायरेक्ट इंपोर्ट किए, इंपोर्ट करने के बाद इसको डायरेक्ट जियो रेफर, पहले एक जगह दिख रहा था सारा स्कैन, अभी उसको जैसे डायरेक्ट जियो रेफरेंस किए इसको, तो ये अपना स्कैन पोजिशन, वो स्कैन पोजिशन में बैठ गया, जैसे ए यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ, डी यहाँ, जियो रेफरेंसिंग कर लिया। उसके बाद, उसके बाद आप एमएसए कर रहे, ठीक है? एमएसए के लिए हमने वो एमएसए जो है पॉली डाटा में होगा, तो उसके लिए प्रिपेयर पॉली डाटा करना पड़ता है। आप उसको एमएसए कर रहे हैं, एमएसए करने के लिए एक स्टेशन को हम फिक्स कर लेते हैं, मतलब टॉप वाला स्कैन को फिक्स कर लेते हैं, आप उस हिसाब से बाकी स्कैन सब उसका ये एडजस्ट हो। अभी तक तो ये 1 मीटर का अभी एरर क्या होता है, वो कोई डाटा आप देखिएगा, इस पोजीशन का डाटा ही ऐसा है, इस पोजीशन का डाटा कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ अंतर रहेगा। मल्टी स्टेशन एडजस्टमेंट में वो प्रोसेस है जिसमें ये डाटा ओवरलैप हो कर के ये एक डाटा पहले हम लोग भी करते थे उसकी पोजीशन में। 32 सेंटी का एरर आया, 32 सेंटी। अच्छा। अभी भी कम करना है, अभी और कम करना है इसको, अभी उसको और कम करना है इसको। तो कितना कम तक स्टैंडर्ड मानते हैं? जितना कम हो जाए सर, जीरो भी अच्छा है। आप कर सकते हैं। अरे वाह, जीरो भी आए तो वो भी अच्छा है। 1 मिलीमीटर कर दीजिए, वो मतलब ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है सर। अच्छा, उसे पैरामीटर फीड करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेशन करता जाएगा। अच्छा, अभी तक 9 सेंटी, 9 सेंटी आ गया, और कम करेंगे थोड़ा। वाह, और कम करेंगे मतलब विद इन 5 रखिए, वो तो 1-2 mm रखेंगे सर। 1-2 mm। वेरी गुड। ये उसके बाद और एडजस्टमेंट होता ही नहीं है, मतलब वो दिखा देगा। अब दम तोड़ देगा, साढ़े अब हम नहीं कर सकते सर, अब आप लोग माफ दे दीजिए। साढ़े में हो गया ना, कितना हो गया? अभी 2 सेंटी में आया है। देख कितना इंटरेस्टिंग काम है, देख रहे हैं सर, यही काम है सर, इसके लिए 1 सेंटी में आ गया, 1 सेंटी में आ गया, 1 सेंटी में आ गया, और थोड़ा करके देखते हैं। ट्रायल एंड एरर नहीं, बस यहाँ से बताइए, अपने आप सब मशीन कर रहा है, इससे ज्यादा और अब ना होता, अब नहीं होता, अब नहीं होता ना, कहे कि 1 सेंटी में आके रुक गया। अच्छा,
चलेगा जोड़े तो एक सेंटीमीटर क्यों आ गया उससे कम होना चाहिए था कभी आप चेक करना चाहेंगे तो उस डाटा का हमारा MSI का एरर कितना था ये भी चेक करते हैं तो स्क्रीन शॉट लीजिए जहाँ पे हम बना रहे अभी LKP1 का अंदर कर रहे हैं तो उसको लिख देते हैं इसको हम रख देते हैं स्क्रीन कहाँ से ली थी हमने इसमें दिया क्या नहीं इसमें सर्च में जाते हैं एक तो एस दबाने से स्लीपिंग टूल है स्लीपिंग टूल क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद ये न्यू करेंगे न्यू करने के बाद कहीं भी यहाँ कॉर्नर में क्लिक कर दीजिए मतलब वो स्क्रीन जो पूरा स्क्रीन आ जाएगा डिस्प्ले जो रिकॉर्ड कर लेगा ना चलिए गुड वेरी गुड आगे चलिए तो इसको फाइल करके सेव कर दीजिए अब आपका MSA हो गया ठीक है ना अब क्या करेंगे उसको क्लोज कर दे अभी MSA होने के बाद अब इसको माइंस कोऑर्डिनेट में हम कनेक्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा कौन सा स्कैन पोजीशन में रिफ्लेक्टर है अच्छा जी क्या नाम है अशेष जैसे मतलब इसकी जो एरर आई थी कि ऐसा तो नहीं था कि मतलब किसी और